हाय सैम, हाउ आर यू? कुछ डिसाइड किया? वो बम्बई का घर, पैसे? हाँ, नहीं किया? कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी ये वाइन खत्म हो गई है, वाइन ले आओ ना। पूल में वाइन पीने का मजा ही अलग है। सुना नहीं सर, वाइन गिलास में? हाँ? बेटा,
आप पर डबल मर्डर केस का चार्ज है। एक तो आपने सुब्रा के पिताजी का खून किया है और दूसरा नौकरानी का। देखो मेरे पास मत आना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वेदिका, 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 नहीं, वेदिका, नहीं, नहीं। मेरी बात सुनो वेदिका। मुझे जेल नहीं जाना। वो वीडियो कहाँ है फिर? अरे इतनी जल्दी भी कहाँ है, थोड़ा सा और। हम आपको बता देंगे, पहले आप वो बंबई का घर और पैसे हमें दे दो, हम बता देंगे वीडियो कहाँ है। Cheers. रोली, ऐसा लग रहा है आज अब हमें देख रहे हैं, है ना? मेरा बहुत मन कर रहा है अजबा को हग करने का। और उनकी मूंछों वाली पप्पी। ऋषि, जब बड़े चले जाते हैं कहीं तो वापस क्यों नहीं आता? आजी कहती है कि आजबा गन्नू जी के पास चले गए, उनके साथ हैं वो। हम गन्नू बापा को बोलेंगे कि हमारे अजबा को वापस भेज दें। दादी कहती है जो गन्नू जी के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते।
सोच रहे हो दोनों? दादी, अजबा की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हमें उनसे बातें करने का मन कर रहा है। पर हम उनसे बातें कैसे करें? वो तो गन्नू जी के पास है ना। हाँ। तो इसमें मुश्किल क्या है? मैं बताती हूँ। आ जाओ, चलो यहाँ बैठो। ओए 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 ओए, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। शाबाश। अब देखो, जब कभी मम्मी से बात नहीं हो पाती है, वो बिजी होती है या फिर नाराज होती है, तो तुम क्या करते हो? या पापा का बर्थडे होता है तो क्या करते हो? हम उनके लिए कार्ड बनाते हैं। मैं अपने हाथों से कार्ड बनाता हूँ और चुपके से आई की टेबल पे रख देता हूँ। और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं सॉरी वाला कार्ड चुपके से मम्मा के पिल्लों के नीचे रख देती हूँ। तो जब मम्मा वो कार्ड पढ़ती है तो कैसा फील करती है? बहुत अच्छा फील करती है। अब देखो, तुम दोनों अपने दादाजी से तो मिले नहीं, वो परसों पहले चले गए थे, पर मुझे ना कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। और जब याद आती है पता क्या करती हूँ? एक लंबी चिट्ठी लिख देती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। पर उनके पास पहुंचती कैसे? एक सीक्रेट है, बाद में बताती हूँ। देखो, तुम दोनों आजोबा को मिस कर रहे हो, है ना? तो आजोबा से बहुत सारी बातें करना चाहते हो, है ना? तो फिर एक काम करो, एक लंबी सी चिट्ठी लिखो और पहुंचा दो, पहुंचा देते हैं आजोबा तक, है ना? यस, हम लिखेंगे चिट्ठी। शाबाश, और हम वो भेज देंगे। चलो चलो तुम दोनों। दादी, वो चिट्ठी स्काई तक कैसे पहुंचेगी? कैसे? बेटे, बहुत सवाल पूछते हो। देखो बेटा, आप लिखोगे हैं और हम उन तक पहुंचा देंगे, वो चश्मा लगा के चिट्ठी पढ़ेंगे, बहुत खुश होंगे, वो मिस कर रहे होंगे ना तुमको। हाँ, फिर ऐसे आसमान में बैठ के, बादल पे बैठ के ऐसे ऐसे जवाब लिखेंगे। पर दादी, हमारी चिट्ठी वहां तक कौन पहुंचाएगा और उनकी चिट्ठी हम तक कौन लाएगा? बेटे, तूने सवाल की पूंछ पकड़ के उसको खींचना है। हाँ। ओके, जैसे अब धरती पर पोस्टमैन होता है, है ना? हमारे पास चिट्ठियां कौन पहुंचाता है? पोस्टमैन पहुंचाता ना? वैसे। पर पापा की चिट्ठी तो सारी ईमेल से आती है ना? ईमेल से आती है। ईमेल कैसे आता है? इंटरनेट। शाबाश। तो वैसे ही ना, पता है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सबसे बिजी पोस्टमैन कहाँ रहता है? कौन है? कौन? गणू बाप्पा। पता है, बच्चों से उन्हें इतना प्यार है कि उनकी चिट्ठियां यूं यूं तुरंत हाथों हाथ पहुंचा देते हैं। गणू जी तो मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा। ओए होए, पता है पहली बार ऋषि और रोली स्कूल से भागकर जब आजोबा से मिलने आए थे और आजोबा को उन दोनों ने इतना परेशान किया है। कहां से आए हो? क्या काम है तुम लोगों को? हमने पहचाना नहीं। मैं ऋषि, ये रोली, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। सारी बातें यही करेंगे क्या? चलो अंदर से आके बात करते हैं। सारी हवा तू ही लेगी क्या? ए, क्या कर रहे हो? अरे अरे, छुओ मत उसको, उतरो नीचे, खराब कर दोगे उसे। तू क्या खाएगा ऋषि? हाँ, बाहर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा था, चिकन जंगली सैंडविच मिलेगा ना वहाँ? मेरा फ्री वेट है। देवा रे देवा, मांस मच्छी कुछ नहीं आता इस घर में। मैंने तो चिकन बोला आजूबा। अरे अरे, काय कहलास तू? वेड़ा जरा सा का? अरे 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 अरे, हटो, दूर हटो, दूर हटो, अरे दूर हटो तुम लोग मेरे से। अरे हटो ना।
स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, आपको भी आना है। और पता है नानू, ऋषि भी डांस करने वाला स्कूल में। वो सॉन्ग है ना, जिंग 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 जिंग। परेशान क्या था? उस दिन रात को जब मैं उनके पैर दबा रहा था तब बोले, दोनों बच्चे शरारती तो हैं, लेकिन है बहुत प्यारे। वो तो है। उस दिन रात को जब मैं उनके पैर दबा रहा था तब बोले, दोनों बच्चे शरारती तो हैं, लेकिन है बहुत प्यारे। वो तो है। बच्चे परेशान करते हैं फिर भी दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी जाके चिट्ठी लिखती हूँ हस्बैंड को और सॉरी बोल दूंगी। हाँ ये भी ठीक है। मैं लिखूंगा कि आपसे परेशान नहीं करूंगा आपको। चल रोली जल्दी चल। बच्चों का मन तो बहला लिया, लेकिन चिट्ठियां कैसे पहुंचाएंगे आप? तो बच्चा नहीं है ना, तू नहीं समझेगा। बच्चों का मन साफ होता है तभी तो हम बड़ों पर भरोसा कर लेते हैं, और हम बड़ों को उस साफ मन पर अच्छे गुण अच्छे विचार रखने होते हैं। ऐसे बन जाती है संस्कारों की नींव। सॉरी गन्नू पापा, आपसे रिक्वेस्ट करना भूल गए थे। आजुबा को हमारी चिट्ठी भिजवा देना प्लीज। और ज्यादा देर मत करना, एक्सप्रेस डिलीवरी से पहुंचाना है। और हम आपको फीस में मोदक देंगे, आई कहती आपको मोदक बहुत पसंद है। और आजुबा को कहना कि अपनी मेडिसिन टाइम से खाया करें, नहीं तो आज ही बहुत डांटेंगी। हम आपको भी थैंक यू चिट्ठी लिखेंगे जब हमें आजुबा का जवाब मिल जाएगा। और मैं तो आपके लिए स्पेशल थैंक यू कार्ड बनाऊंगी। पता है मेरे स्कूल में ना सबसे अच्छा कार्ड मैं ही बनाती हूँ। बाय गन्नू पापा, थैंक यू। बाय। और एक्सप्रेस डिलीवरी ठीक है। चल लोली, हम लोग वेट करते हैं आजुबा का जवाब आने का, ठीक है। चल।